नमस्कार। सारे राजाओं को राजा बनना है, चलें इसी मुहिम के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पिछले वीडियो में आपने जाना हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन क्या होता है और कौन कौन से देवता उस पर विराजमान है। भुजंग आपका इम्यून सिस्टम, भूधर आपका टास्क मास्टर, दिति आपका मदरहुड। ऐसे करके तीन देवताओं के बारे में हमने जाना ना। कुछ लोग इसलिए बीमार हो जाते हैं कि उसके ऊपर उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। आज इस वीडियो में मेरे हिसाब से, या मैं अपना एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा बच्चों की स्टडीज के बारे में। वेस्ट साउथ वेस्ट, हाँ जी सही समझे आपने, वेस्ट साउथ वेस्ट के जोन के बारे में बताना चाहूंगा। पर हकीकत में जो इंटरकनेक्शंस हैं वो कुछ देवताओं के साथ है किसी बच्चे की स्टडी के लिए। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में और आप समझेंगे कि कैसे अपने बच्चे को बहुत कम एफर्ट से ब्रिलियंट बनाया जा सकता है। चलिए धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप समझे कि बच्चा कैसे बहुत जल्दी 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 क्लास में सीढ़ियां चढ़ जाए और बहुत अच्छा व्यक्तित्व का स्वामी भी बने। क्या आपको लगता है कि एक बच्चे को ये सारी चीजों की जानकारी होना चाहिए? उसका क्लास में एक अच्छा देखा जाए तो एक नेचर होना चाहिए उसका, सब बच्चों को साथ लेके चले, स्टडीज में अच्छा हो, पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स का भी चहेता हो। क्या इस तरीके की चीजें आप चाहते हो अपने बच्चे के व्यक्तित्व में? तो इस वीडियो में कुछ इसी प्रकार की बातें मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैं नहीं समझता या मुझे ऐसा एहसास नहीं है कि बच्चे के रैंक से ही उसका हम भविष्य तय करते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे का जो कैलिबर है वो उसका भविष्य तय करता है, ना कि उसका रैंक। रैंक हो सकता है फर्स्ट, नहीं तो सेकंड, नहीं तो थर्ड, नहीं तो फोर्थ, नहीं तो फिफ्थ आ जाए, पर वो रैंक से ज्यादा उसका कैलिबर क्या है वो तय करता है कि आगे भविष्य में वो कितना आगे जाएगा। चलिए आज इसी को कनेक्ट करते हुए कुछ छोटे छोटे देवता हैं जिनके बारे में मैं एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। मैंने क्या कहा, ये जो 45 शक्तियां हैं ये हमारे एहसास को गबन करती हैं। हम क्या एहसास करते हैं वो इन 45 शक्तियों से ही निर्भर करता है, इन्हीं के ऊपर निर्भर करता है कि हम वो एहसास कैसा लेंगे। तो मैंने हमेशा ही इस बात को कहा है कि मैं 45 देवताओं का कॉम्बिनेशन को समझता हूं किसी व्यक्ति को आगे लेके जाने के लिए या उसके पीछे आने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एक देवता की वजह से या एक जोन के वजह से या एक एक्टिविटी की वजह से कुछ चीजें हैम्पर हों। चलिए आज हम आते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट के देवता के ऊपर, या हम कहें इस जोन को लेते हुए इनके कुछ जो देवता हैं उनके ऊपर। मैं एक शब्द आपको पकड़ाता हूं, पता तो सब कुछ है पर लिख के नहीं आता। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरे बेटे को या मेरे बच्चे को या मेरी बिटिया को पता तो सब कुछ है पर वो लिख के नहीं आता। तो हमारा ध्यान जाना चाहिए W2 के ऊपर। W2 ही एक ऐसा देवता है जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड को क्विक एक्शन में कन्वर्ट करता है। बात कैसे मैंने पकड़ी, पता तो सब कुछ है पर लिख के नहीं आता, वैसे ही सब कुछ पता होने के बावजूद भी भूल जाता है, सब कुछ पता होने के बावजूद भी भूल जाता है। तो ध्यान आना चाहिए W3 सुग्रीव के ऊपर। सुग्रीव, सुंदर ग्रीवा, आप उसे तोड़ेंगे ना तो ये ग्रहण करने की जो शक्ति होती है उसको विकसित करता है। जैसे अगर कोई चीज मैंने अपने अंतर्मन के अंदर ग्रहण कर ली, आप इन वीडियोस को भी सम कॉशियसली डाउनलोड करते जाइए ताकि क्लाइंट की काउंसलिंग में आप इन बातों को बोलने लग जाए। तो जैसे ही मैंने ग्रहणीय शक्ति अपनी बढ़ा दी, सुग्रीव ग्रहणीय शक्ति को गबन करता है, वैसे ही मैं सारा का सारा लिखना स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि मेरे मस्तिष्क के अंदर वो सारा का सारे तरंगे मौजूद है। तो अभी हमने दो देवताओं की बात करी, W2 पता तो सब कुछ है लिख के कुछ नहीं आता, पता सब कुछ है भूल जाता है। ऐसी कुछ बातें अगर क्लाइंट कहता है या बच्चे के अंदर आप महसूस करते हैं तो ध्यान दोनों देवताओं के ऊपर जाना चाहिए। इन देवताओं को स्प्रिंग लगा के, मेटल कॉइन्स डाल के या देव डिप्स, देव मनिया जो हम कहते हैं, उसे डाल के भी जागृत किया जा सकता है। अभी प्रेजेंटली आप उन जोन्स में उन देवताओं के ऊपर प्रेजेंट एक्टिविटीज को देखें। वॉशिंग मशीन है तो तुरंत हटा लीजिए, कोई स्टोरेज है तुरंत हटा लीजिए, डस्टबिन रखते हैं तो तुरंत हटा लीजिए। तो बच्चे के अंदर आपको वो चेंजेस लगने लगेंगे जो चीजों के बारे में आप दुनिया को कहते हो कि ऐसा ऐसा होता है। चलिए अब दो और इसके कनेक्टिंग देवता हैं जिसके वजह से ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टेशन होता है। एक देवता है सिखी। सिखी, बच्चा मेरा बहुत इंटेलिजेंट है पर
क्या हो जाता है, एग्जाम का पेपर देख के सब का सब वो खराब लिख के आता है या गलत लिख के आता है। बच्चा मेरा बहुत इंटेलिजेंट है, जैसे ही ये वर्ड आता है ना, इंटेलिजेंट है, तो सिखी सिखी हमारा इंटेलेक्चुअल पावर या इंटेलिजेंसी को गवर्न करती है। सिखी वो देवता है जो अपने क्षेत्र पे शिखर पे है। शिखर पे होने का मतलब है कि जिसे सारा नॉलेज है, ये नॉलेज का की है, ये चाबी है। तो क्या बात हुई, सिखी सिखी के ऊपर एग्जाम के पेपर देख के चक्कर आ जाता है, चक्कर आ जाता है, दिमाग घूम जाता है। ऐसे देखिए, दिमाग घूम जाता है। ये शब्द अगर आपको किसी ने कहा तो रुद्र, रुद्र रुद्र गवन करता है हमारी पूरी की पूरी स्टडी को, हमारे दिमाग के अंदर कैसे फ्रीक्वेंसी या फ्लोइंग वे में रखा जाए। तो ये जो घूम जाता है, ये रुद्र का काम है, ये घुमाने का रुद्र का काम है। मैंने काफी बार कहा, जो एयर एलिमेंट के व्यक्तित्व के स्वामी हैं, वो हमेशा बातों को घुमा देते हैं। ये बातों को घुमा इसलिए देते हैं क्योंकि इनके साथ रुद्र का इंटरकनेक्शन डायरेक्टली होता है। तो चार देवता अभी इस बार देखे, W2, W3, नॉर्थ वेस्ट में रुद्र और नॉर्थ ईस्ट में सिकी E1 का देवता। ये चार देवता स्लाइड्स आपको दिख रही होंगी इनकी। अब इन्हें कैसे एक्टिवेट करना है, तो वापस से वही चीज, कुछ एक्टिविटी चल रही है तो रिमूव कर दीजिए, डस्टबिन अगर कहीं स्टोरेज बना रखा है, सेप्टिक टैंक है या कुछ भी है इन देवताओं के ऊपर से, अभी तो टेम्परेली उसे वहां से रिमूव कीजिए। और आपको लगता है कि इफेक्ट्स दिखने लगे, उसे पावराइज करना है, तो देव क्वाइंस का आप इस्तेमाल कीजिए, इफेक्ट्स खत्म होने लगे, नलिफाई होने लगे और आपके बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट दिखने लगे। अब इसके बाद आते हैं तीन देवता जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। पहला देवता है E3 का, महेंद्र के जस्ट बाजू में जयंत, महेंद्र E4 का देवता महेंद्र के जस्ट बाजू में जयंत। जयंत उसके हैप्पीनेस को गवर्न करता है। मैं समझता हूं दुनिया का कोई भी ऐसा चीज जो आप सीखना चाहते हैं उस पर खुशी ना हो तो उसे आप कभी नहीं सीख पाएंगे। क्यों, मैं भी जब भी लेक्चर्स देता हूं तो एकदम खुशी के अनुभव से देता हूं, उसके अलावा इंटरकनेक्ट कर जाता हूं रियल लाइफ रियल इक्वेशंस के साथ, तो आप उसे आसानी से धारण कर लेते हैं। इसलिए ही जो प्ले स्कूल में बच्चा जब सीखता है तो सबसे ज्यादा उसे वही बातें जिंदगी भर याद रह जाती है, क्योंकि वो खुशी में सीख रहा होता है और खेलते खेलते सीखता है। इसलिए मैं इस बात को हमेशा इन्फ्लुएंस करता हूं या मैं हमेशा तवज्जो देता हूं कि क्या बच्चा खुश है, खुश है। बच्चा खुश नहीं है तो सबसे पहले E3 का देवता को देखिए, E3 के उस पावर को देखिए कि क्या चल रहा है उसके अंदर। बिना खुशी किसी भी चीज को आप धारण नहीं कर सकते। आप एक नया सामान खरीदते हो, अगर उसके अंदर से खुशी ना आए तो वो सामान भी तो व्यर्थ है ना, आप उसे ऐसे देखिए। इसके अलावा दो चीज और इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करती है कि क्या बच्चा मोटिवेटेड है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये कहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसे हम नेगेटिव लें, कि तू बेटा फर्स्ट आ जाएगा या तू बेटा सेकंड आ जाएगा या तू क्लास में सबसे अच्छा नंबर ले आएगा तो मैं तुझे ये ले दूंगा। तो ये जो मोटिवेशनल पावर है, जिंदगी में कोई भी अचीवमेंट केवल मोटिवेशन से हासिल किया जा सकता है, और इसके अलावा लोग अचीवमेंट इसलिए करते हैं ताकि वो दुनिया को दिखा पाए कि हमने ये हासिल किया है। तो क्या दिमाग में आना चाहिए, सविता, मोटिवेशन का पावर सविता देती है। और उसका आउटकम क्या हुआ कि जैसे ही बच्चे ने अचीव किया कोई भी सर्टन एक चीज, और उसके बाद उस फादर ने उसको वो चीज दिला दी, उस मदर ने उसका वो विश फुलफिलमेंट करा दिया, तो सवित्रा, विश फुलफिलमेंट में सवित्रा। एक छोटी सी स्टोरी के साथ कनेक्ट कर जाता हूं। एक काउंसलिंग के दौरान ही ये बात मुझे समझ में आई। मैंने उनसे पूछा कि बेटा आप पढ़ते क्यों नहीं हो, तो बोले पापा तो हमेशा कहते हैं ये ले दूंगा वो ले दूंगा, पर वो लेके कुछ नहीं देते। अब क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं तो वो अपनी बातें खुद ही बता देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा कुछ है, तो उन्होंने कहा ऐसा तो कई बार हुआ है। तो मैंने कहा एकदम सही, आपका ये इंजेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग फूक के पकौड़े पकाते रहते हैं, जिनका सवितरा डिस्टर्ब है ना, वो फूक के मैं ये करा दूंगा मैं वो करा दूंगा, इसे ना मजाक के अंदाज से लो ताकि वो सीख जाओ कि जो मैं सिखाना चाह रहा हूं मजाक के अंदाज में बहुत जल्दी निकल आता है, बहुत जल्दी अंदर कैप्चर भी हो जाता है, मैं ये ले दूंगा मैं वो कर दूंगा मैं ऐसा कर दूंगा, पर वो करते नहीं है। कर इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनका जो सवितरा है, जो आउटकम है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। इसी तरीके के सारे अगर देवताओं के बारे में और अच्छे से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या ये रस शास्त्र को समझना चाहते हैं तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 16 फरवरी को कोर्स होने जा रहा है तो उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
चलिए धन्यवाद, राजा बनना है वो भी तन मन धन से। और बच्चे की ढेर सारी आपको पहले से ही गुड विशेस कि बच्चा सबसे अच्छे रैंक आए, उसका व्यक्तित्व तो अच्छा बने और वो एक क्लास का राजा कहलाए आपके लिए। धन्यवाद। नमस्कार, आप सबके लिए एक छोटी सी गुड न्यूज है। मैं एक छोटा सा एक कोर्स डिजाइन कर रहा हूं जो है ऑनलाइन कोर्स, जो कुंडली को कैसे पढ़ें और कुंडली के कैसे उपाय करा जा सके, एस्ट्रोलॉजी को बहुत शॉर्टकट में मैंने कुछ निकाला है। यकीन मानना कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन कोर्स है, जनवरी के मिड के अंदर ये स्टार्ट होगा। मैंने एक फेसबुक का ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में आप मेंबरशिप आप ले सकते हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। उसके साथ उसमें मैं 9 लेक्चर्स हर वीक कंपल्सरीली, वीक के अंदर एक लेक्चर में डालूंगा। उस लेक्चर को पूरा का पूरा ऐसा डिजाइन किया है कि ताकि आप कुंडली को बहुत अच्छे से रीड कर पाए। इसके अलावा उसी लेक्चर के आधारित अगर आपके कोई फोन आपको अगर कोई डाउट है तो हम उसे फोन कॉल पे मैं उसे फोन कॉल पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जिसका हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। और उस फोन कॉल की रिकॉर्डिंग मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा ताकि जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं अगर उनके दिमाग में भी वो प्रश्न है तो वो प्रश्न वहां से वो आसानी से क्रैक कर लें। तो एक छोटा सा प्रयास है कि कुंडली कैसे पढ़ें और बहुत छोटी सी एक नॉर्मल सी फीस है घर बैठे। ये मुझे जो लगता है लगभग 2.5 महीनों का कोर्स होगा, हर वीक एक लेक्चर, और उसके ऊपर पूरे वीक में आपके प्रश्न मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा उसी लेक्चर के ऊपर। और चाहे बटाफट फटाफट इसे भी ग्राब कर ले, कुछ ना कुछ जरूर नया मिलेगा। अपनी किस्मत पे और मेरे हुनर पे भरोसा रखे, कुछ ना कुछ जिंदगी में जरूर नया मिलेगा। तो ज्वाइन ज्वाइन करना चाहें, ऑनलाइन कोर्स है और मुझे लगता है 2.5 महीनों के अंदर का ये कोर्स होगा। और एक एक लेक्चर हर वीक एक फेसबुक ग्रुप के माध्यम से मैं डालते जाऊंगा। चलिए धन्यवाद।